तो हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी विधानसभा की, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। तो हरियाणा के लोग, जब भी हम इससे पहले भी रोहतक गए, टोहाना गए, जींद गए, सोनीपत गए, तो लोगों ने हमसे ये आग्रह किया कि आप हरियाणा में क्यों नहीं आते, हम हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। जो भी आया उसने लूटा। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये भी अपने आप में मान महसूस होता है कि हमारा बंदा दिल्ली जाके और पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। तो इस हरियाणा के इस लॉन्चिंग का आज पहला दिन है, आपके पीछे भी लिखा हुआ है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो पूरी ताकत से हमने चुनाव लड़ना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चर मिलता है पंजाब का, दिल्ली का, हरियाणा से कल्चर मिलता है। तो कुछ लोगों को दिल्ली के काम पता है और कुछ लोगों को पंजाब के काम पता है, क्योंकि ये टोहाना, जाखल, ये पूरा हरियाणा डबली तक वो हमारे पंजाब से टच करता है, बुड रतिया, फतेहाबाद, कैथल, तो ये पूरा पंजाब ही है, रिश्तेदारियां भी हैं, है ना, मैं वही तो कह रहा हूं। तो रिश्तेदारियां भी हैं, थोड़ा इजी रहेगा, और रिश्तेदारी भी ऐसी है कि मेहनत उनको करनी पड़ेगी। तो हम लोग बड़े खुश हैं इस बात से कि हमारी पार्टी जो है वो डे बाय डे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी जो है लड़ेगी। अभी जलंधर बड़े मार्जिन से जीते, 60% के लगभग 60% वोट पड़े, जो आम तौर पे बाई इलेक्शन में होता नहीं है ऐसा। तो यहां भी हमने, लोकसभा में भी हमने तीन ऐसे, संगरूर हमारा जो 2.25 लाख से हमने संगरूर जीता, होशियारपुर हमने बीजेपी से सीट जो है वो हमने छीन ली, और आनंदपुर साहब हमारी नई सीट है, और तीनों हमारे बहुत अच्छे बुला रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने पहले सेशन में बोल के अपना आग्रह, अपनी पहचान बना ली है। तो मुख्यमंत्री के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जहां भी मेरी ड्यूटी लगती है पूरे देश में मैं प्रचार करने भी जाऊंगा, जहां भी, क्योंकि आधा हरियाणा तो पंजाबी बोलता है, तो गुजरात भी गए, मध्य प्रदेश भी गए, दिल्ली में भी गए, तो जहां भी ड्यूटी लगेगी, छत्तीसगढ़ में भी गए, रांची में हमने बहुत बड़ी सभा की, तो जहां भी ड्यूटी लगेगी हम पूरी ताकत के साथ एक टीम बना के लड़ेंगे। और ये हमें आता है, ये हमने साबित कर दिया कई बार कि हमारी टीम जो है बहुत अच्छी है, और एक टीम के रूप में हम लड़ते हैं।